बेशर्म, निर्लज्ज, लंपट, नीच, दुराचारी, कुलघाती, बलात्कारी, पापी, हत्यारा और लुटेरा, यही है उस बेआबरू रावण की असलियत। वो शेर तो आपने सुना ही होगा ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। रावण की भी यही कहानी है, जहां गया वहीं से बेइज्जत करके निकाला गया। आज हम आपको बेशर्म और निर्लज्ज रावण के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि रावण जैसे लंपट युगो युगो में पैदा होते हैं। रावण भले ही कितना ताकतवर क्यों न रहा हो, भले ही उसने देवताओं को भी क्यों ना जीता हो, लेकिन बेशर्मी की इंतहा भी उस दुष्ट ने बार बार पार की। बार बार जलील होता रहा, लेकिन घमंड कम नहीं हुआ। यकीन नहीं होता तो चलिए हम आपको निर्लज्ज रावण के बार बार जलील होकर भी घमंड में घूमने की कहानी सुनाते हैं। माता सीता को पाने की चाहत में रावण ने अपने पूरे कुल का नाश करवा दिया। लंकापति ने बार बार न जाने कितने जतन किए, लेकिन माता सीता का ना तो वो सतीत्व तोड़ पाया और ना ही उनके दिल में अपने लिए हमदर्दी ही जगा पाया। कामये त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वांग गुण संपन्ने सर्वलोक मनोहरे। रावण यहाँ माता सीता से कह रहा है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, समस्त संसार को मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। लेकिन देखिए कैसे माता सीता उसकी निर्लज्जता को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर देती है। निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रियताम मनः नहीं गंधम उपाघ्राय राम लक्ष्मण योस्त्वया शक्यम संदर्शने स्थातुम शुना शार्दूल योरिव। सीता जी कहती हैं, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों पर प्रेम करो, श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो दो बाघों के सामने टिक सकता है? माता सीता के इस तरह कहने के बाद भी बेशर्म रावण को शर्म नहीं आती। वो बार बार सीता जी को डराता, अलग अलग हथकंडे अपनाता, लेकिन हर बार बेशर्मों की तरह जलील होकर अपने महल लौट जाता। रावण जब पहली बार श्री राम से युद्ध करने पहुंचा तो भगवान ने उसे इतना जलील किया कि ना तो उसे मारा और ना ही उसे कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा। उसके सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए, इतना ही नहीं उसका रथ भी तोड़ दिया। कायर रावण का ये हाल हो गया कि उसे घर भी पैदल चल कर जाना पड़ा। प्रयाहि जाना मिरणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रि चरराज लंकाम सैव मुक्तो हतदर्प हर्षो निकृत्त चापः सहतस्व सूतः शरार्दितो भग्न महाकिरीटो विवेश लंका सहसा स्मराजा। श्री राम रावण को शस्त्रहीन करके उससे बोले, निशाचराज मैं जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ कि जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले। भगवान के ऐसा कहने पर रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल गया। धनुष काट दिया गया था, घोड़े और सारथी मार डाले गए थे, महान किरीट खंडित हो चुका था और वो खुद भी बाणों से बहुत पीड़ित था। लेकिन बेशर्म फिर भी नहीं सुधरा। अगले ही दिन अपने बच्चों और अपने कुटुंबियों को लड़ने के लिए, या यूं कहें कि मरने के लिए, युद्ध के मैदान में भेज दिया। एक वक्त की बात है, रावण तीनों लोगों को जीतने निकला। राह में जो जो आता गया सबको मारता रहा और उसका उत्साह घमंड में तब्दील होता गया और वो फिर पहुंच गया सहस्त्रबाहु के राज्य में। वो कहते हैं ना एक दिन शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। वही उस मूर्ख रावण के साथ हुआ। गया तो था अपनी हेकड़ी दिखाने, लेकिन सहस्त्रबाहु ने उसे मेमने की तरह दबोच कर अपने पास रख लिया। हाल तो ये हो गया कि कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन के घुड़साल में बच्चे रावण को खूब मारते पीटते। बाद में रावण को बचाने के लिए उसके दादा ऋषि पुलस्त्य को आना पड़ा और उनकी वजह से रावण की जान बची। सतम प्रमुच्य त्रिदशारिमर्जुनः प्रपूज्य दिव्याभरणस्त्र गंभरै अहिंसकम सख्यमुपेत्य साग्निकम प्रणम्यतम ब्रह्मसुतम गृहम ययौ।
उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके कार्तवीर्य अर्जुन ने दिव्य आभूषण माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी मानकर उसके साथ मित्रता का संबंध बनाया। मतलब कि आबरू लुटती दिखी तो बेहया ने पुलस्त जी के कहने पर सहस्त्रबाहु से मित्रता कर ली। तभी जब रावण हनुमान जी के सामने अपनी प्रशंसा करता है तो हनुमान जी उसे उसकी औकात याद करा देते हैं और कहते हैं, जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाल सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। यक्ष, गंधर्व, देवता आदि सबसे ना मारे जाने का वरदान क्या मिला। उसने सोचा कि इंसान और वानर तो मेरा भोजन है, लेकिन बेचारे रावण को पता नहीं था कि पृथ्वी पर ऐसे वानर भी हैं जो उसे मच्छर की तरह मसल सकते हैं। बाली के हत्थे चढ़ा तो सारा घमंड ही चूर चूर हो गया। अहो बल महो वीर्यम, अहो गांभीर्यमेव च, येनाहं पशुवत् गृह्य भ्रामितस् चतुरोर्णवान्, सोहम दृष्ट बलस्तुभ्यम इच्छामि हरिपुंगव, त्वया सह चिरम सख्यम सुस्निग्धम पावकाग्रतः। रावण बाली से कहता है, आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है, आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता करना चाहता हूँ। देखा आपने, यहाँ से भी जलील होकर घर लौटने का इशारा मिला तो बढ़ा दिया मित्रता का हाथ और बन बैठा बाली का दोस्त। बाद में इसी दोस्त के बेटे से अपनी ही सभा में अपनी ही इज्जत तार तार करवाई। ब्रवीमि त्वाम हितम वाक्यम क्रियताम मौर्धदेहिकम, सुदृष्टा क्रियताम लंका, जीवितम ते मयी स्थितम। यहाँ अंगद जी रावण से कह रहे हैं कि मैं तुझे हित की बात बताता हूँ, तुम अपना श्राद्ध कर लो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब मेरे अधीन हो चुका है। रावण की बेशर्मी की दास्तान इतनी लंबी है कि एक पूरी किताब छापी जा सकती है। कभी वो श्वेत द्वीप पर जाकर स्त्रियों से पिटता था। प्रविशन्नेव तद्द्वीपम घृतो हस्तेन योषिता, गच्छत्या कस्यचिदास्या पुष्पान्यानयितुं वनम्, पृष्टः कुतः कोसी प्रेषितः केन वावद, इत्युक्त्वा लीलया स्त्रीभिर् हसन्तीभिर् मुहुर्मुहु। द्वीप में घुसते ही एक स्त्री ने उसको एक हाथ से पकड़ लिया। वो किसी की दासी थी और वन में पुष्प लेने जा रही थी। उस स्त्री ने रावण से पूछा कि तू कौन है और तुझे यहाँ किसने भेजा है, बता। इतना कहकर कुछ स्त्रियाँ बारम्बार हंसकर लीला पूर्वक उसके मुख पर तमाचे लगाने लगी। बाद में उसका पांव पकड़कर और उसे औंधे सिर घुमाकर गेंद की तरह दूर फेंक दिया। एक बार वो घमंड में राजा बलि के नगर में जबरन घुस गया और वहां उसका ऐसा हाल हुआ कि उसे वामन अवतार लिए भगवान विष्णु के बालक रूप के पैरों पर गिरना पड़ा। धिक धिक कृत्वा रावणम तम गृहान निष्कासयद्वहि, ततो धृतो राजदूतैस्तदुच्छिष्टैस्तुपोषितः, अश्वानाम सकृतम नीत्वा प्राक्षिपत प्रत्यहम बहि, एकदा द्वापरे गत्वा प्रार्थयामास त्वाम मुहु। यहाँ ऋषि अगस्त्य भगवान राम से कह रहे हैं कि जब रावण राजा बलि के महल में घुस गया तब उन्होंने उसी समय रावण को धिक्कार कर अपने महल से निकाल दिया। बाहर राजा बलि के दूतों ने उसको फिर पकड़ लिया और अपने जूठन से उसका पोषण करने लगे। रावण को घोड़ों की लीद उठाने का काम सौंपा गया। कुछ दिन बाद एक दिन रावण द्वार पर स्थित आपके विष्णु रूप के पास आकर नगर के बाहर जाने देने की प्रार्थना करने लगा और आपके चरणों में गिर पड़ा। तब आपने अपने पांव के अंगूठे से उसको आकाश की ओर उछाल दिया, जिससे रावण बहुत काल के बाद प्रसन्नता पूर्वक अपनी लंका में जा पहुंचा। फिर भी परम वीर कहे जाने वाले उस जलील रावण को शर्म नहीं आती थी। हर किसी से बिना बात के युद्ध करने पहुंच जाता। जीत जाता तो ठीक, नहीं जीत पाता तो उससे मित्रता गढ़ने लगता। तभी तो हर बार हर जगह उसके अरमान पूरे नहीं होते थे और बेचारा बड़े बेआबरू होकर अपने घर लौटता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें बताएं, ताकि
ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें। जय श्री राम।